हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कंपेरिजन बाय अंकुश। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इमरान खान के सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, साथ ही साथ जानेंगे कितना मूवी बना, कितना कमाया, हिट रहा या फिर फ्लॉप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बात करें अगर इमरान खान के फिल्म नंबर वन, तो फिल्म पहला आता है जिसका नाम रहता है जाने तू या जाने ना। और ये मूवी 2008 में आया था, 15 करोड़ के बजट से बनकर 83 करोड़ कमाया, बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रहा। उसके बाद दूसरा फिल्म आता है, फिल्म का नाम रहता है किडनैप। एंड ये मूवी आता है 2008 में ही, बजट रहता है 31 करोड़, कमाई करता है 21 करोड़ का, एंड बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी फ्लॉप हो जाता है। उसके बाद तीसरा फिल्म आता है, फिल्म का नाम रहता है लक। एंड ये मूवी आता है 2009 में, बजट की बात करें तो 37 करोड़, कमाई करता है 21 करोड़ का, एंड बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी भी फ्लॉप हो जाता है। उसके बाद चौथा फिल्म आता है, फिल्म का नाम रहता है आई हेट लव स्टोरी। एंड ये फिल्म आता है 2010 में, बजट रहता है 22 करोड़, कमाई करता है मूवी 17 करोड़ का, एंड बॉक्स ऑफिस पर यह भी फ्लॉप हो जाता है। तो इमरान खान सुपर हिट मूवी के साथ अपना कैरियर स्टार्ट किए थे और अब फ्लॉप पे फ्लॉप दिए जा रहे हैं। 5 नंबर पर मूवी आता है ब्रेक के बाद, एंड ये मूवी 2010 में आता है, 22 करोड़ के बजट से बनकर 17 करोड़ कमाता है, एंड ये भी फ्लॉप हो जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इमरान खान का कैरियर अभी तक तो कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। 6 पर मूवी आता है दिल्ली वैली, एंड ये मूवी आता है 2011 में, बजट रहता है 23 करोड़, कमाई करता है 92 करोड़ का, एंड बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी हिट रहता है। तो फाइनली काफ़ी फ्लॉप देने के बाद एक हिट दे देते हैं इमरान खान। उसके बाद 7 नंबर पर मूवी आता है, मूवी का नाम रहता है मेरे ब्रदर की दुल्हन, एंड ये मूवी 2011 में आता है, 32 करोड़ के बजट से बन के 94 करोड़ कमाता है, एंड ये मूवी भी हिट रहता है। 8 नंबर पर मूवी आता है एक मैं और एक तू, ये मूवी 2012 में आता है, 32 करोड़ के बजट से बन के 72 करोड़ कमाता है, एंड ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रहता है। तो यहाँ पे इमरान खान का कैरियर कुछ ठीक होता हुआ नजर आता है। उसके बाद 9 नंबर पर मूवी आता है पतरू की बिजली का मंडोला, एंड ये मूवी 2013 में आता है, 41 करोड़ के बजट से बनकर 39 करोड़ कमाता है, एंड बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी फ्लॉप हो जाता है। 10 की बात करें तो मूवी आता है, मूवी का नाम रहता है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा, ये मूवी 2013 में आता है, 100 करोड़ के बजट से बनकर 91 करोड़ कमाता है, एंड बॉक्स ऑफिस पर यह भी फ्लॉप हो जाता है। 11 मूवी आता है, मूवी का नाम रहता है गोरी तेरे प्यार में, एंड ये मूवी आता है 2013 में, बजट की बात करें तो 45 करोड़, कमाई करता है मूवी 14 करोड़ का, एंड बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी भी फ्लॉप हो जाता है, मतलब कि महा फ्लॉप जाता है ये मूवी। 12 नंबर पर मूवी आता है कट्टी बट्टी, एंड ये मूवी आता है 2015 में, 32 करोड़ के बजट से बनकर 24 करोड़ कमाता है, एंड ये मूवी भी फ्लॉप हो जाता है। तो फिर से आप लोग देख सकते हैं इमरान खान फ्लॉप पे फ्लॉप दिए जा रहे थे। तो 2015 में इनका लास्ट फिल्म था कट्टी बट्टी, इसके बाद इनको कोई फिल्म ही नहीं देता क्योंकि एक सिर्फ फ्लॉप पे फ्लॉप दिए जा रहे थे, तो कोई अपना लॉस क्यों करवाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इमरान खान का समरी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें टोटल मूवीज का, तो इमरान खान अभी तक 12 मूवीज कर चुके हैं, जिसमें से डिजास्टर या फिर फ्लॉप मूवी का बात किया जाए तो 7 रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड एवरेज मूवीज का बात किया जाए तो मात्र 1, वहीं पे सेमी हिट या फिर हिट मूवीज का बात किया जाए तो 3 मूवी रहा। अब बात करेंगे इमरान खान का सुपर हिट मूवीज का, तो इमरान खान का सुपर हिट मूवीज 1 रहा है, वहीं पर ब्लॉक बस्टर या फिर ऑल टाइम ब्लॉक बस्टर मूवीज 0 रहा है। अब बात करते हैं सक्सेस रेशियो का, तो इमरान खान का सक्सेस रेशियो 42% है, जो कि कम है। आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा है सक्सेस रेशियो, एंड एक फेवरेट मूवी का नाम बताइए कि आपका कौन सा फेवरेट मूवी है इमरान खान का, एंड इमरान खान का कौन कौन फैन है कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को ये भी कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर सकते हैं, एंड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।